मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा बाईपास से लगकर कई दरगाह, आपको बता दें कि जंगी शाह बाबा की दरगाह है, अब्दुल रहमान शाह बाबा की दरगाह है, रईस शाह बाबा की दरगाह है, पहलवान शाह बाबा की दरगाह है, साथ ही फकीर शाह बाबा की दरगाह है और गौस पाक का चिल्ला भी है। आज यहाँ पर वन विभाग की टीम पहुँची और पहलवान शाह बाबा दरगाह के जो ट्रस्टी हैं शब्बीर खान उर्फ वली और फकीर शाह बाबा दरगाह के जो ट्रस्टी हैं जहूर इस्माइल फकी, इनसे दरगाह के संबंधित जो है वन विभाग की टीम ने सारी जानकारी ली है। आपको बता दें कि दरगाह काफ़ी पुरानी बताया जा रहा है और इन दरगाह की जानकारी जो है लगभग वन विभाग की टीम के पास भी है। इसके अलावा मुंब्रा बाईपास पर आज मनसे नेता अविनाश जाधव के आने की वजह से मुंब्रा के मुस्लिम समुदाय और दरगाह ट्रस्टी और कई हिंदू समुदाय के लोग जैसे कि शब्बीर खान उर्फ वली, सैफ पठान, मोतीराम भगत, जहूर इस्माइल फकी, ऐसे तमाम लोग जो है एक मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे और सीनियर पीआई से मुलाकात की और मांग की कि शहर का माहौल ना खराब हो पाए, इसके लिए उचित उपाय की जाए। वहीं वन विभाग की टीम को दरगाह के ट्रस्ट के तरफ से जो है सारी जानकारी मुहैया करा दी गई है कि ये दरगाह कितनी पुरानी है। ट्रस्टी शब्बीर खान उर्फ वली और जहूर इस्माइल फकी, इसके अलावा सैफ पठान और मोतीराम भगत ने आज पूरा जो दिन भर ये मामला चला, मुंब्रा बाईपास के पास जो दरगाह है, मस्जिद है और जो चिल्ला है, इसको लेकर जिस तरह से पूरे मामले हुए, मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुँच कर इन लोगों ने शहर में शांति बनाए रखने के लिए कानून व्यवस्था बनी रहे ऐसा पुलिस से मांग भी की है और वन विभाग को सारी जानकारी देने के बाद इन लोगों ने क्या कुछ कहा और मोतीराम भगत और सैफ पठान ने पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई से मुलाकात के बाद क्या कहा आपको सुनाते हैं। वल्ली भाई, आप लोग मुंब्रा पुलिस स्टेशन भी गए हुए थे, सीनियर से भी क्या बात हुई और फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी भी यहां पर आए हुए, तो दरगाह के संबंध में आप लोगों ने क्या जानकारी दी है? पहले तो हम लोग मुंब्रा पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब से जब मुलाकात किए ना, तो उन्होंने भी सारी चीज़ें हमारी डिस्कस इसी बात पर हुई कि जो भी हमारे ट्रस्ट के सर्टिफिकेट है, जो भी हमारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमने साहब को दिखाए और साहब ने उस पर हमें यही हमको आश्वासन दिया कि जो भी लीगल एक्टिविटीज से जो कार्रवाई हमारे सीनियर्स के पास हम इस चीज़ को भेजेंगे और जो मुंब्रा का माहौल ख़राब हुआ है उसके ऊपर जो भी हमारा एक्शन होगा हम लेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया और भी फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी आए थे, आप लोगों ने पूरी डिटेल उनको दरगाह के संबंध में दी है, तो क्या पूरी डिटेल है इसकी? हमने इनको जो भी हमारे पास पार्ट पुरावे थे ना दरगाह के 74 से लेके तो ब्रिटिश कालीन के टाइम तक के, हमने सब कुछ उनको साहब को हमने बताया है और कुछ प्रोसीजर साहब लोगों के पास भी मौजूद है, यानी उनको बताने के लिए वो ऐसा होगा ना कि उनके पास भी चीज़ मौजूद है। अभी वो छानबीन कर रहे, उसके बाद जो भी है हमारी ट्रस्ट की जो एक्टिविटीज़ है हम अविनाश जाधव के खिलाफ भी करना चाहेंगे अभी, क्योंकि उसने गलत मुंब्रा के अंदर ये मैसेज दिया है और गलत तरीके का जो एक माहौल क्रिएट किया रमज़ान के पहले रमज़ान के अंदर उसने ये माहौल क्रिएट। फली भाई, एक मज़ार के बारे में आप बता रहे थे कि वो ब्रिटिश काल से उसका उल्लेख मिलता है। जंगी शाह बाबा दरगाह जो है ना, जो हम रईस बाबा सरकार में ऊपर चढ़ते तो पहला मज़ार लगता है हज़रत जंगी शाह रहमतुल्लाह अलैह, तो इनका इतिहास जब ब्रिटिश राज्य था, ब्रिटिश हुकूमत थी हिंदुस्तान के अंदर ना, वो दौर में जब पारसिक टनल का जो एक काम शुरू हुआ था बोगदे का, तो उन लोग ने पूरा सर्वे किया था, सर्वे के अंदर जंगी शाह बाबा दरगाह का उन लोग ने उल्लेख दिया है, ये चाहे तो डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है, फॉरेस्ट के अंदर मौजूद है, ये लोग देख सकते हैं। ओके सर, जिस तरह से इलीगल दरगाहें बताए गए अविनाश जाधव की तरफ से, तो आपकी नज़र में इसे कोई दरगाह आई है अब तक? अब कैसा, उन्होंने ये चीज़ के बारे में कोई भी चीज़ को उन्होंने सर्च नहीं किया, कल सुना और आज आके उन्होंने बाइट दे दी और जो उनको हेट स्पीच देना था वो दे दिया, सिर्फ माहौल खराब करने, माहौल खराब और माहौल खराब हो गया, लेकिन खास करके रमजान के लिए, रमजान की बरकत से कुछ हमारे सीनियर भाई लोग जो है वो सब आकर उन्होंने माहौल को जो बनाया तो माहौल जैसा है वैसा ही रहा और माहौल खराब होने से रहा, और अधिकारियों से भी हमें अच्छा कोऑपरेट मिला है कि उन्होंने जो भी कुछ छानबीन की है सारी एकदम निष्पक्ष होकर की है। चलो बोलिए सर, तो हमारा यही कहना है कि बाबा ये ऐसे स्टेटमेंट जो ये दे रहे हैं ना, उनको इसके ऊपर कम से कम पहले स्टडी कर लेना चाहिए, और नमाज के टाइम पे आते हैं रोड के ऊपर कुछ भी दो मिनट की स्पीच देते और चले जाते, तो ये इसका हम क्या समझना है कि इनको माहौल ख़राब करना है ना मुमरा का, लेकिन इंशाल्लाह वो होगा नहीं। मुमरा में जो इधर हिंदू मुसलमान है सब साथ में भाईचारे से रह रहे एक ज़माने से, और हमारा प्रमाण हम नहीं देंगे, हमारा प्रमाण मुमरा देवी ट्रस्ट देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहूर इस्माइल फकीर। अच्छा, आप कौन से दरगाह के ट्रस्टी? मैं हजरत सैयद फकीर शाह बाबा दरगाह कमेटी का ट्रस्टी हूँ, खड़ी मशीन रोड पे जो दरगाह है बाईपास पे। जिस तरह से आज अविनाश जाधव मुंब्रा बाईपास पर आए थे और उन्होंने कहा है कि जो अवैध दरगाह है उन पर कार्रवाई की अल्टीमेटम दिया है, 15 दिन का समय दिया है, आप लोग यहाँ पर वन विभाग के लोग भी यहाँ पर आए हुए थे, क्या बातचीत हुई अभी, क्या डिटेल आपने दिया है उनको?
अविनाश जाधव साहब का मसला ये है कि वो रमज़ान के टाइम पे कुछ ना कुछ मुसलमान हिंदुओं में कुछ ना कुछ उनको परेशान करे, कुछ ना कुछ एक बहाना निकाल देते हैं, दरगाह का है, मस्जिद का है, लाउडस्पीकर का है, कुछ ना कुछ बहाना निकाल के रमज़ान में पहले दिन ही लोग परेशान हो जाए रोज़े में। ये उनका एक नीति मेरे को हमारे समझ में आ गई है, ये इनके इनकी पार्टी की। तो अभी ये डिटेल क्या दिया आपने? अभी हम लोग ने डिटेल दी, हमारी जो नोंदनी 20-20 साल पुरानी हमारी जो नोंदनी है ट्रस्ट की, वो हम लोग ने आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम लोग ने दी है, जो हमारी 20-20, 25-25 साल पुरानी, 50-50 साल पुरानी रईस बाबा की जो ये नोंदनी है वो सब हम लोग ने मिलकर दी। जहूर भाई, ये आस्थाना बनाने में जिस तरह से हिंदू भाइयों का सपोर्ट है, फकीर शाह बाबा का तो ऐसा इतिहास है कि यहाँ पे जो कोरी चलाते थे रोजारी सेठ, उनका देहांत हो गया, उनने ये फकीर शाह बाबा को जागरूक किए, हम लोग तो सिर्फ संभाल रहे। ये हिंदुओं की दरगाह, हिंदू लोगों ने ये जागरूक किए, हम लोग तो सिर्फ संभाल रहे उनको। जरूर भाई, ऐसा कहा जा रहा है कि जो है ये दरगाह जो है कितने साल पुरानी है, क्या है इसका कुछ इतिहास आप बताएंगे? मेरे पास 35 साल से तो मैं इनकी खिदमत कर रहा हूँ, उससे पहले रोजारी सेट कर रहे हैं कई सालों से, जो कोरी चलाते थे 50 सालों से वो कोरी चला रहे, जब से ये दरगाह। मोतीराम भगत जी, आप भी तमाम जो है मुस्लिम बंधुओं के साथ में मुंब्रा पुलिस स्टेशन में आए थे, सीनियर साहब से बातचीत की है, और आप भगत फैमिली से है और काफ़ी जो है आप लोगों का मुंब्रा शहर में रुतबा है, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, लेकिन जिस तरह से अब मुंब्रा के बाईपास पर जो मस्जिद और मजार है उसको लेकर मंसी जिस तरह से आक्रामक रूप दिखा रही है, उसको लेकर क्या कहना? सर, मैंने कहना था उसको आने की जरूरत क्या थी? मुंब्रा का इतिहास हमको मालूम है, हम रहते यहाँ पे, हमारे बाप दादा से पीढ़ी चल रही है, और मस्जिद मंदिर ये सब हम लोग एक साथ पे त्यौहार बनाते हैं, जो भी मसले होते हैं हम लोग आपस में सॉल्व करते हैं। तुम बाहर आके तुमको ये मालूम है कि कुछ इधर का मुंब्रा का इतिहास नहीं मालूम तो काई के लिए बोल लेगा ये चीज़ के लिए? मेरा ये कहना, हम लोग कभी भी कुछ भी ऐसा भेदभाव है ही नहीं हमारे मुंब्रा में, ना जिंदगी में होएगा। और भगत परिवार का इतिहास है पहले से कि एक मिलन सलन, हम लोग सब एक साथ में रहते, त्यौहार हम लोग सब साथ में मनाते। अभी रमजान का पहला, आज रमजान का पहला दिन है, जुम्मा का दिन है, उसमें पहला रोजा है और उसमें माहौल गर्म कर रही है, ये कौन सा बात हो गया तुम्हारा? ऐसे तो दुनिया से आके गए ले, कोई इधर मुंब्रा में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, मेरा यही कहना है। साहब पठान, आप क्या कहना चाहेंगे? सीनियर साहब ने खास तौर पर क्या कहा है? देखिए, सीनियर साहब से अभी हम लोगों ने मुलाकात की, हमने उनको पूरी डिटेल्स बताई कि इस तरीके के जुम्मा की नमाज चालू थी और ऊपर मोहम्मदिया मस्जिद में आने सर्कल ऑफिसर आ गए और माहौल एक बिगड़ सकता था, तुमने उसको गंभीरता से लिया। फिर हमने ये भी बताया कि किस तरीके से अविनाश जाधव छुप कर ऊपर आए दोपहर के वक्त और छुप के चले गए, अगर वो यहाँ लोगों से मिल लेते या लोगों का सामना हो जाता तो शायद आज बहुत कुछ बिगड़ सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, लोगों का दिमाग थोड़ा अलग चल रहा है कल के उनके बयान के बाद से। तो उसको यहाँ आने से रोके, ऐसे शख्स का कोई मुंब्रा से लेना देना नहीं है, मुंब्रा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करें। जैसा कि हमारे मोतीराम भाई ने बताया कि सर, अभी जिस दो दिन पहले यहाँ गुड़ी पाड़वा हुआ, आपने देखा होगा उस रैली में हिंदुओं के भाइयों के साथ मुसलमान भाई थे, हमारा हर साल जो भी जुलूस निकलता है, ईद मिलाद उन नबी हो या कोई भी बड़ा जुलूस हो, उसमें हमारे हिंदू भाई शिरकत करते। तो हम ये शहर की एक तहजीब है कि मिलजुल के हम लोग यहाँ रहते, ये थाना में रहता और हमारे मुंब्रा के लिए बयान दे रहा, इसका मुंब्रा से कोई लेना देना नहीं। अरे तो थाना में जो तेरे राबोड़ी में जो हमारे भाई का हादसा हुआ, तो उनको पहले इंसाफ दिला और फिर मुंब्रा की बात कर, तू वहाँ पर उनको कोई इंसाफ नहीं दिला सकता और यहाँ मुंब्रा की बात कर रहा है? तेरी पार्टी के बंदे को, जमील भाई को किस तरीके से मारा गया, तू उसमें कुछ नहीं कर पा रहा और तू मुंब्रा के लिए बात कर रहा है? तो हम बोलना चाहेंगे, हमने पुलिस वालों से कहा है कि उसका यहाँ आने पर रोक लगाए, नहीं तो शहर का माहौल खराब होगा, उसका जिम्मेदार वही होगा।